देखो सबसे पहले हमने कल इंट्रोडक्शन देख लिया था, और जैसे कल आप लोगों ने पार्टिसिपेशन दी थी, मैं एक्सपेक्ट करूंगा आज भी ऐसी देना है। कोई समझ नहीं आता तो पूछो, समझ आ गया तो हाँ ना कर देना, ताकि पता चले जिंदा है सारे के सारे बच्चे। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था ना, वो हमने बेसिक कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा था, रियल नंबर्स क्या होते हैं, अच्छा रियल नंबर्स कहाँ से आए थे, किस तरीके से आपने इन्वेंट किया था। अच्छा उसके बाद फिर आपने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो हमने इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ लिया था, रियल नंबर के बारे में पढ़ लिया था, और बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बातें पढ़ ली थी। अब मजीद मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को बताने से पहले यहाँ छोटा सा एक टॉपिक करवा दूँ। वो टॉपिक है पावर ऑफ आयोटा। ये जो आपके पास कल आपने इमेजिनरी नंबर में पढ़ा था ना, ये आयोटा जो है, इससे रिलेटेड कुछ बातें सीख लेते हैं हाँ सीख लेते हैं कुछ। सबसे पहली बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो आयोटा है इसकी वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। जब भी आप -1 का स्क्वायर रूट लेते हो, ये आयोटा के बराबर आता है। ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। और अभी चैप्टर नंबर 3 आप लोगों का पुरानी बुक में इक्वेशंस का होता था, अब आप लोगों की बुक में है नहीं, तो मैं पहले से एक बेसिक बात बता दूं कि बिलफर्ज अगर आपके पास आ जाए, कंसिडर कर रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ -9। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आपने क्या करना होगा यहाँ पे कि आप इसको ब्रेक कर दो इस फॉर्म में कि -1 × 9 लिख सकते हो। आप स्क्वायर रूट ऑफ -9 को अब इस तरह लिख सकते हो कि -1 × 9। उसके बाद आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है कि जब स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप अलग अलग स्क्वायर रूट ले लो। मतलब आप -1 का भी स्क्वायर रूट ले लो और आप 9 का भी स्क्वायर रूट ले लो, ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। ठीक है, ये इसको हम जनरलाइज फॉर्म में इस तरह लिखते हैं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप दोनों के अलग अलग स्क्वायर रूट लो और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन एक बात याद रखना, ये प्रॉपर्टी उसी वक्त वैलिड है जब ए और बी दोनों नेगेटिव ना हो। अगर दोनों नेगेटिव होंगे ना, तब ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। अगर कोई एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, या दोनों पॉजिटिव हैं, तो आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अगर दोनों नेगेटिव है ना, तब ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये चीज आ जाए कि -2 √-3, अगर ये सिचुएशन बन जाए, तो अब आप इसमें ये काम नहीं कर सकते कि आप एक स्क्वायर रूट लिखो और दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, ये गलत हो जाएगा। कि आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा √2 आयोटा, इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा √3 आयोटा। जबकि इसको सॉल्व करोगे तो सिंपल √6 है, ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा होगा भी, मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे पावर ऑफ आयोटा बतानी है, तो उसके बाद मैं इस पर दोबारा आ जाऊंगा। मेन अभी बात देख लो, ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी हुई है ना, ये प्रॉपर्टी उसी वक्त वैलिड है जब या तो ए या बी, इनमें से एटलीस्ट एक पॉजिटिव होना चाहिए। अगर दोनों नेगेटिव हैं, तो आप ये काम नहीं कर सकते, आप स्क्वायर रूट को अलग नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद हम देख लेंगे कि हम क्यों अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आए ना √-9, इसकी अगर आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप ये काम करोगे, फिर उनको अलग करोगे। अब आपको पता है स्क्वायर रूट -1 जो है, ये तो आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आयोटा हो जाएगा, जबकि स्क्वायर रूट 9 क्या होता है, ये 3 के बराबर होता है। अब आयोटा 3 लिखना थोड़ा अजीब है, तरीका नहीं है लिखने का, 3 आयोटा सही लिखने का तरीका। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट -9 की जगह आप क्या लिखोगे, 3 आयोटा। ये बेसिक सी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, जब भी आप स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आए, तो आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, ये मैंने पूरा स्टेप आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हम डायरेक्ट किया करेंगे। डायरेक्ट मतलब कि जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, तो मैं आयोटा लगा दूंगा और जो नंबर लिखा हुआ है उसका मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा। तो डायरेक्ट आप इस तरीके से सवाल को करोगे। अच्छा, जरा पावर ऑफ आयोटा पे आ जाते हैं कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लेता हूँ, तो यहाँ पे जब मैं स्क्वायर लूंगा तो रूट हट जाएगा, यहाँ पे -1 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पे आपने देखा कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। इसी तरीके से अब जरा आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालते हैं। आयोटा क्यूब की वैल्यू अगर आपने निकालनी है ना, तो आप सिंपल इस फॉर्म में ब्रेक करो, √2 आयोटा। ये बेसिक बात आप लोगों ने पढ़ी होगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा हुआ है a² और a³, क्वेश्चन बता सकते हैं जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो आंसर क्या आएगा, कैसे, t^5 कौन सा रूल लगाया। 2 और 3 को प्लस करते हैं जब बेस सेम होती है हाँ और मल्टीप्लाई। हाँ रूल क्या कहता है कि जब बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, तो आप वही लिखते हो बेस और पावर्स को क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। मतलब 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5। तो ये आप बैकवर्ड भी तो जा सकते हो ना, कि बिलफर्ज अगर आपके पास पावर लिखी हो तो आप ब्रेक भी कर सकते हो। अब आपकी मर्जी, आप जिस फॉर्म में ब्रेक करो, आप इसको 2 3 में ब्रेक कर सकते हो, आप इसको 1 4 में ब्रेक कर सकते हो, आपकी मर्जी जिस फॉर्म में ब्रेक करना चाह रहे हो। तो इसी तरह यहाँ पे आयोटा क्यूब लिखा हुआ है, ब्रेक करना चाह रहा हूँ आयोटा स्क्वायर और आयोटा की पावर 1, लिखो ना लिखो बात एक ही है।
मैंने अपने हिसाब से ब्रेक कर दिया. क्यों किया? क्योंकि देखो आयोटा स्क्वायर की मुझे वैल्यू पता है. आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस वन. तो ये माइनस वन जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा हो जाएगा. इसका मतलब आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन और आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा. ठीक है, कोई भी मसला हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, साथ साथ पूछ लेना. यार किसी के स्टूडेंट को ऑन है माइक्रोफोन, कोई सवाल है तो पूछ लो, बंद कर लो. अजीज आपका माइक्रोफोन ऑन है. सही है. अच्छा अब आयोटा फोर देख लेते हैं. आयोटा फोर होता है, इसको ब्रेक कर दो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर. ये मैंने आयोटा फोर को ब्रेक कर दिया. अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस वन. अगेन आयोटा स्क्वायर माइनस वन. सॉल्व करो, आंसर वन आ जाएगा. इसका मतलब आयोटा फोर की वैल्यू क्या होती है? वन होती है. थोड़ी देर के लिए इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको हम फर्दर अभी जाते नहीं है. मैं कुछ और बातें पहले बता दूं आपको. रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ. यहां तक अभी भूल जाओ, अब इस पे दोबारा आ जाओ. मैंने आप लोगों को क्या बात बोली थी कि ये प्रॉपर्टी याद रख लो कि जब स्क्वायर रूट, अच्छा ये प्रॉपर्टी आमतौर पर बच्चे प्लस के साथ दबा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ये चीज लिखी हो ना तो उनका मतलब ये होता ही है. ये गलती कभी भी नहीं करना. ये वो बहुत बेसिक बेसिक गलती है जो मैं बहुत अरसे से, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं देखता हूँ स्टूडेंट इन चीजों में गलती कर रहे होते हैं. प्लस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर दो टर्म लिखी हुई है तो आप अलग अलग उनका स्क्वायर रूट लो और आपस में ऐड कर दो. प्लस माइनस इसके अंदर ये वैलिड नहीं है. हाँ मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो तो आप ये वैलिड कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ए भी इस तरह लिखा हुआ है तो आप इसको इस तरह लिख दो, आप अलग अलग कर दो. पहले हम इसकी जरा शरायत देख लेते हैं, इसकी शरायत क्या है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो रूल क्या कहता है कि आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, कब? जब ए और बी में से एटलीस्ट एक पॉजिटिव होना चाहिए. तो मैं लिख दूं कि एटलीस्ट ए और बी इज पॉजिटिव, कि इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होना चाहिए तब ये प्रॉपर्टी लगेगी. अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी. क्यों नहीं लगेगी? आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो. कंसिडर कर लो माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस थ्री. दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप अलग अलग करो. माइनस टू और माइनस थ्री दोनों के अलग अलग मैंने स्क्वायर रूट लिए, अलग कर दिया. अब जब आप इस साइड को सॉल्व करोगे, माइनस टू का रूट क्या होगा? माइनस की जगह आप लिखो आयोटा और टू का रूट जो है वो रूट टू ही होता है, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. इसी तरह माइनस की जगह लिखो आयोटा और थ्री का रूट रूट थ्री होता है. यहां पे क्या है? माइनस टू माइनस थ्री माइनस सॉरी सिक्स हो जाएगा. सिक्स का स्क्वायर रूट आपने देना है. अब आप क्या काम करो, रूट, अच्छा आयोटा और आयोटा को मल्टीप्लाई करो, ये तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा. रूट टू और रूट थ्री को मल्टीप्लाई करोगे तो यही प्रॉपर्टी लगाओगे. क्या प्रॉपर्टी? कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. रूट टू और रूट थ्री को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा? टू मल्टीप्लाई थ्री का रूट, मतलब ये हो जाएगा सिक्स. और यहां पे क्या है? रूट सिक्स. आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस वन. ये हो जाएगा माइनस रूट सिक्स, ये हो जाएगा रूट सिक्स. ये तो सेंस ही नहीं बन रही, ये दोनों आपस में कैसे इक्वल हो सकते हैं. तो यहां गलती आपने क्या की है? गलती आपने ये की है कि आपने दोनों नेगेटिव थे, आपने प्रॉपर्टी लगा दी है. तो जब दोनों नेगेटिव हो ये वाली प्रॉपर्टी आप नहीं लगा सकते. आयोटा की पावर वन की तो वैल्यू है स्क्वायर रूट माइनस वन, हम कह देते हैं उसको. ठीक है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने देखी है माइनस वन होती है. आयोटा क्यूब की वैल्यू देखी है माइनस आयोटा होती है. और आयोटा की पावर फोर की वैल्यू देखी है वन के बराबर होती है. बच्चों ये पैटर्न अब रिपीट करेगा. आप यहां पे निकालो आयोटा की पावर फाइव की वैल्यू. जल्दी से जरा मुझे निकाल के बताओ आयोटा की पावर फाइव की वैल्यू क्या होगी. सोचो आयोटा कैसे निकाली? आयोटा पावर फोर मल्टीप्लाई आयोटा. एक्सीलेंट भाई. देखो आयोटा फाइव को आपने ब्रेक कर दिया आयोटा फोर इंटू आयोटा में. अब आयोटा फोर क्या होता है? वन. तो वन को आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो आयोटा आ जाएगा. तो अगर आप देखो ये पैटर्न रिपीट कर रहे हैं आप दोबारा, तो आपके पास आयोटा आएगा, फिर माइनस वन आएगी, फिर माइनस आयोटा, फिर वन. मतलब जो आयोटा की पावर सिक्स है निकाल लेना, वो माइनस वन के बराबर होगी. जो आयोटा की पावर सेवन है वो माइनस आयोटा के बराबर होगी. जो आयोटा की पावर एट है वो दोबारा वन के बराबर होगी. और ये पैटर्न चलता जाएगा. फिर आयोटा की पावर नाइन निकालोगे, ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा. तो ये वैल्यूज आपकी चलती जाएंगी. आपको बेसिकली बस शुरू की चार वैल्यूज जो है ना ये पता होनी चाहिए. बाकी निकालने का तरीका मैं आप लोगों को अभी समझा दूंगा. ये शुरू की चार बेसिक वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए, आपकी लाइफ काफी इजी हो जाएगी. अब बिलफर्स अगर कोई हाई पावर आ जाए, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, चलो मैं रहने देता हूँ. हाई पावर का मतलब क्या है कि बिलफर्स अगर आपके पास आ जाए आयोटा की पावर 257, बहुत बड़ी पावर है. अब हम ये काम करने लग गए तो फिर तो हमारे घंटे लग जाएंगे. तो यहाँ पे आप दो टेक्निक होती है वैसे, लेकिन मैं एक दूसरी टेक्निक से करवा देता हूँ कि आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू याद रख लो. आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस वन होता है.
आप देखो 257 क्या 2 के टेबल में आता है? नहीं, 257 तो नहीं आता, 256 आता है. तो 256 को 2 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा? 1, 2 और 8, 128. इसका मतलब 128 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा? 256. तो आप इसको इस तरह ब्रेक करो, आयोटा स्क्वायर की पावर 128. अलजबरा ने हमें क्या बताया था कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 को 128 से मल्टीप्लाई करोगे 256. तो 256 पावर तो यहां पे कवर हो गई. पीछे कितनी बची है? पीछे एक पावर बची है. टोटल 257 थी, 256 आपने लिख दी, एक पावर बची है, तो आप लिख दो आयोटा. सही. फिर नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर होता है. -1 की जब भी कोई इवन वैल्यू होगी तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है, और -1 की जब भी ऑड वैल्यू होती है तो आंसर नेगेटिव हो जाता है. यहां पे -1 की इवन वैल्यू है तो आंसर पॉजिटिव मतलब 1 है. 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करो, आयोटा आ जाएगा. तो कोई भी हायर पावर आएगी आप आसानी से उसकी वैल्यू इस मेथड से निकाल लोगे. अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, वो आप लोग करो, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं. वो है आयोटा की पावर 577. जल्दी से मुझे निकाल के बताओ क्या आ रही है. मैंने तो निकाल लिया, तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी निकालो. आयोटा है. एक्सीलेंट भाई. कैसे आपने ब्रेक किया? आयोटा स्क्वायर को ब्रेक किया होगा 288 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 576 आएगा, एक पावर बच जाएगी. अब आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 288 पॉजिटिव होगा मतलब 1 होगा सिंपल. तो 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करना, आंसर आयोटा आ जाएगा. तो ये जो पावर ऑफ आयोटा का पोर्शन है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया. मुझे नहीं पता ये आगे या तो 1.2 के अंदर है या 1.1 का टॉपिक है, लेकिन जब मैंने इमेजिनरी नंबर आप लोगों को करवाया तो साथ मैंने ये भी बता दिया आप लोगों को. अच्छा दोबारा आ जाओ, जो हमने कल टॉपिक जहां पे छोड़ा था, और वो था कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आप लोगों को बताए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म बताई थी, जरा उसको देख लेते हैं दोबारा. अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात. कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ये सी से लिखते हो, लेकिन सी को थोड़ा स्टाइलिश सा बनाया हुआ होता है. ये आपको बुक में मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल, उन्होंने खैर कहीं ना कहीं होगा. तो इस तरह स्टाइलिश है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल होता है. ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को, जैसे रियल नंबर का सेट इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है. जनरल फॉर्म मैंने क्या बताई थी. अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर को आप, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसको आप जेड से रिप्रेजेंट करते हो. जेड को नॉर्मली हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रखा हुआ होता है. तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ए प्लस बी आयोटा. वेयर, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो ए है ये यहां पे क्या है, ये है कहलाता है रियल नंबर, और बी आयोटा ये क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर. ठीक है. अब एक इंपॉर्टेंट बात गौर से सुनना है यहां पे. ये जो मैंने बोला ना बी आयोटा, ये इमेजिनरी नंबर होता है. जैसे मैंने कल बताया था 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा √2 आयोटा, ये सब इमेजिनरी नंबर के अंदर आते हैं. एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट. जरा गौर से समझना, एक होता है इमेजिनरी नंबर और एक होता है इमेजिनरी पार्ट. ये मैं लिखवा देता हूं. इमेजिनरी पार्ट अगर आपको बोला जाए ना, तो इसका मतलब क्या है, वो आपसे क्या पूछ रहे हैं. इमेजिनरी पार्ट का मतलब वो आपसे पूछ रहे हैं कि जैसे जो इमेजिनरी नंबर है ना, इसके साथ कौन सा रियल नंबर अटैच है. भाई देखो, अगर आपके पास कोई इमेजिनरी नंबर लिखा हुआ है तो आयोटा के साथ तो कोई रियल नंबर ही होता है ना. ठीक है, इस पूरे इमेजिनरी नंबर में आयोटा के साथ तो कोई रियल नंबर ही होता है. तो जब आपसे वो पूछे ना कि यार इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो अब आप बताओगे जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है. इसका मतलब आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है? बी. तो जब इमेजिनरी पार्ट आपसे बोला जाए ना, तो समझ जाना वो आपसे बी के बारे में पूछ रहे हैं. तो अगर इमेजिनरी नंबर बोला जाए तो बी आयोटा पूरा इमेजिनरी नंबर माना जाता है, और अगर आपसे बोला जाए जस्ट इमेजिनरी पार्ट बताओ तो वो क्या होता है? बी होता है. और रियल नंबर रियल पार्ट एक ही बात है, वो ए को ही आप बोलते हो. ठीक है, ये कंफ्यूजन इमेजिनरी नंबर के अंदर आती है. तो ये जो मैंने बातें आपको लिखी है ना, इसको हम सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिंबल क्या? बिलफर्ज अगर आपके पास लिखा हो इस तरीके से, आर, क्या नोटेशन यूज की हुई थी, आर ई जेड होता है ना, एक सेकंड बुक में, हाँ आर ई जेड वाली नोटेशन है इसमें. ई इन्होंने छोटा किया है, नॉर्मली ई बड़े यूज कर रहे होते हैं. बहरहाल बुक की नोटेशन को फॉलो कर लेते हैं. अगर इस तरह लिखो ना आर ई जेड, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है. क्या पार्ट है? ए. और अगर बिलफर्ज इस तरह लिखा हो,
तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट क्या है, इमेजनरी नंबर नहीं इमेजनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट क्या है, बी। तो ये सिंबल में आप इस तरह पूछा जाएगा। यहां तक कोई मसला, कोई सवाल? सर कल आपने बताया था जेड का मतलब तो इंटीजर होता है। नहीं, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है सेट का नाम क्या है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का नाम सी है जिसमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। एक होता है कि उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना, कोई भी इंटीजर है ना उस इंटीजर के सेट को हम जेड बोलते हैं, लेकिन किसी इंटीजर -1 -2 को हम कोई नाम नहीं दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो जेड नाम दिया गया ना स्मॉल जेड है, पहली बात फर्क उसमें यह कि वो कैपिटल जेड होता है या स्मॉल जेड होता है। दूसरी बात ये जो जेड दिया जा रहा है ना कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का नाम नहीं है, ये किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फर्क समझ आया? जी सर। पूछते रहा करो सवाल। अब मैंने क्या आगे बताना है? अच्छा, इसकी नॉर्मली दो फॉर्म यूज होती हैं, जनरल फॉर्म है ना, या तो ए प्लस बी आयोटा कहते हैं इसको, या कहीं पे आप देखोगे इसको इस तरह भी लिखा होगा एक्स प्लस वाई आयोटा, एक ही बात होती है लिखने का तरीका, या तो ए प्लस बी आयोटा लिखते हैं या एक्स प्लस वाई आयोटा लिखते हैं, दोनों तरीके से बात कह सकते हैं। अब रियल पार्ट क्या हो जाएगा, एक्स, और इमेजनरी नंबर वाई आयोटा, और इमेजनरी पार्ट वाई हो जाएगा, इस तरह भी आप लिख सकते हो। अच्छा, अब एक तो इसकी फॉर्म होती है ये वाली, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह लिखते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ड्रॉ भी कर सकते हो। अब जरा हम, क्योंकि अब यार बुक में ना टॉपिक मुझे नहीं पता है ड्रॉ का टॉपिक कहाँ पे पढ़ाया हुआ है, आगे पीछे थोड़े हुए हैं, तो मैं एक ऑर्डर वाइज लेके जा रहा हूँ आप लोगों को कि बिलफर्ज अगर आपको ड्रॉ करना होता किसी रियल नंबर को, कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि रियल नंबर को हम किधर ड्रॉ करते हैं, रियल नंबर को ड्रॉ कैसे करते हैं? नंबर लाइन पर। एक्सीलेंट भाई, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जवाब आएगा ये, कि कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट होता है कि आप क्या करते हो उस नंबर लाइन के ऊपर किसी भी रियल नंबर को ड्रॉ करते हो। तरीका ये होता है कि दरमियान में आप जीरो कंसिडर करते हो, यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर, यहाँ पे नेगेटिव रियल नंबर, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, इस सिंबल को आप इन्फिनिटी कहते हो। मतलब कहने का मतलब पॉजिटिव नंबर यहाँ जाके बहुत बड़ा भी हो सकता है ना, कोई बहुत बड़ा नंबर होगा इस तरफ जा रहा है तो उस बड़े नंबर को आप इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। इसी तरह कोई बहुत बड़ा नेगेटिव होगा यहाँ पे तो नेगेटिव इन्फिनिटी आप उसको बोल दो, जो कि हकीकत में बहुत छोटा होगा लेकिन मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो बड़ा होगा ना वो, तो इसको आप कहते हो रियल नंबर लाइन। कोई भी रियल नंबर आपने जितने पढ़े हैं ना वो सब इस लाइन पे आप ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी रियल नंबर बताओ, मुश्किल वाला, मुश्किल रियल नंबर कोई तो बता दो यार, कोई मुश्किल रियल नंबर। 4628। अरे यार ये मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है टेढ़ा मेढ़ा। फॉर एग्जाम्पल टेढ़ा मेढ़ा मैं बताता हूँ कि पाई माइनस ई रियल नंबर है ये, अब काफी अजीब सा रियल नंबर है ये, अगर आप इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो तो आंसर आपको तकरीबन 0.5 के करीब कुछ मिल रहा होगा, पाई माइनस ई। हाँ आंसर आपको मिल रहा है यहाँ पे, इरेशनल नंबर होगा डेफिनेटली, लेकिन मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ भी फिलहाल, 0.423 आपको मिल रहा है। ये कहाँ पे आएगा, जीरो के फौरन बाद के यहाँ पे होगा। कहने का मतलब अजीब सा नंबर कुछ भी जो रियल होना चाहिए भाई, आयोटा के अलावा सारे रियल नंबर ही आपने पढ़े हैं अभी तक, और आयोटा ही पढ़ा है जो रियल नंबर के अलावा, बाकी सब आपने रियल नंबर पढ़े हैं। तो कोई भी मुश्किल सा रियल नंबर आप बोलो आप उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो, या तो वेदर ड्रॉ होगा या वेदर ड्रॉ होगा, अगर वो जीरो है तो वो जीरो पे ड्रॉ होगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ड्रॉ करें। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को आप नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, सेंस नहीं बनेगी, किस हिसाब से ड्रॉ करोगे आप, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो नंबर आ रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि मैं इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के हिसाब से हम ड्रॉ करते हैं, कि भाई जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है उसके हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे। तो बिलफर्ज मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन कह देते हैं इसको, 2 -2 आयोटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है कह रहे थे फॉर एग्जाम्पल 2 + 4 आयोटा, और तीसरे को हम फॉर एग्जाम्पल कह देते हैं 2 -√3 आयोटा। ये तीन डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है आपको देखने में लग रहे हैं, लेकिन अगर आप कहते हो कि यार मैं इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करता हूँ किस तरीके से, कि जो इनके रियल पार्ट है उनके हिसाब से मैं ड्रॉ करता हूँ, तो उस हिसाब से तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ये 2 पे ड्रॉ होंगे क्योंकि सबके रियल पार्ट जो है वो 2 है, तो क्या ये बिल्कुल सही डायग्राम मानी जाएगी, हालांकि तो तीनों डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब नंबर लाइन पे आप ड्रॉ नहीं कर सकते, वरना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 डिफरेंट लेकिन सबको ड्रॉ करो तो सेम जगह पे आ रहे हैं वो। इसी तरह कोई अगर कहता है कि यार मैं इमेजनरी को ड्रॉ कर लेता हूँ, इमेजनरी पार्ट जो है ना उसके हिसाब से,
तो अगेन आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो जिसमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के सेम इमेजिनरी पार्ट है लेकिन रियल पार्ट उनका डिफरेंट है. तो इसका मतलब आपको एक नंबर लाइन से आपका गुजारा नहीं होगा, आपको दो लाइन चाहिए. तो दैट्स वाई कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ग्राफ पे ड्रॉ करते हो जहां पे एक एक्स होता है एक वाई होता है, आप उस पर ड्रॉ कर रहे होते हो. तभी मैं पूरा कॉन्सेप्ट दे रहा था. तो उस ग्राफ का नाम क्या है, उसको हम बोलते हैं साइंटिस्ट के नाम पे है आर्गियन डायग्राम. आर्गियन डायग्राम वो डायग्राम होती है जिस पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ कर रहे होते हो. इसको आर्गियन डायग्राम भी बोला जाता है या कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोला जाता है. ये जो वर्ड प्लेन है ना, इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ लो कि ग्राफ है. जो आप लोग ग्राफ पेपर होता है ना आपका, समझ लो उसको प्लेन बोला जाता है. ठीक है, तो एक होता है रियल प्लेन जिसपे आप रियल नंबर्स को ड्रॉ करते थे, ठीक है, जो पॉइंट्स हुआ करते थे, और कॉम्प्लेक्स प्लेन वो होता है जहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ड्रॉ कर रहे होते हैं. अब ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, ये ग्राफ आपने बेसिकली देखा होगा अपनी छोटी क्लासेस में, मैट्रिक में तो देखा होगा कि इस एक्सिस को आप क्या बोलते थे, नाम याद है सबको? पाई एक्सिस. ये एक्स एक्सिस होता है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, हाँ, और ये वाई एक्सिस होता है. अब बिलफर्ज अगर कोई डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव वाई, यहाँ पे नेगेटिव वाई. उसमें खैर हम फिलहाल जा नहीं रहे, अभी बेसिक हम बात समझ रहे हैं. तो जो आर्गन डायग्राम होता है ना, उसमें बस हल्का सा फर्क क्या है कि जो एक्स एक्सिस है इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है इसको हम लिखते हैं इमेजनरी एक्सिस. अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल जो पार्ट होगा उसको आप इस तरह ड्रॉ कर रहे होगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आप वाई एक्सिस पर ड्रॉ कर रहे होगे. अब जरा देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों के सामने लिखा, ये वाला लेते हैं क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा. इसमें रियल पार्ट क्या है 2, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, मैं इमेजिनरी नंबर की बात नहीं कर रहा, इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा हूँ. इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे 4. तो कंसिडर कर लो रियल है 1 2 और इमेजिनरी है 1 2 3 4. तो 2 से इधर जाओ, 4 से इधर आओ, तकरीबन यहां पे ड्रॉ हो जाएगा. तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर आप ऑब्जर्व करो, हॉरिजॉन्टली 2 यूनिट है, ठीक है, जबकि वर्टिकल कितना है 4 यूनिट है. तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो आप वर्टिकल एक्सिस वर्टिकली ड्रॉ करते हो, और जो रियल पार्ट है वो आप हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हो. तो अगर इस पॉइंट के मैं आपसे पूछ लूं कि कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 इसका रियल है, 4 इसका इमेजिनरी है. ये तरीका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ करने का. तो यहां से हमने एक नई बात सीखी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ ना a प्लस बी आयोटा, सेम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस तरह भी लिख सकते हो. कैसे, a कॉमा बी. तो कॉम्प्लेक्स नंबर की ये भी एक रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें जो पहला वाला होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट, और जो दूसरा वाला होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इसको वैसे ये जो फॉर्म है ना इसका एक नाम होता है, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर भी बोला जाता है. ये जो कार्टेशियन फॉर्म का नाम जो है फिलहाल मैं उसको स्किप कर रहा हूँ यार, अगर शौक हो तो आप सर्च कर लेना. ये जो नॉर्मली आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते थे ना वो कार्टेशियन सिस्टम ही कहलाता था. तो ये वाली फॉर्म जो है इसको कार्टेशियन फॉर्म बोला जाएगा, और ये जो है ना इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर ये जो इस तरह राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है ना, इस पॉइंट को हम बोल लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, नाम है वैसे याद रख लो तो सही है. तो अभी तक हमने क्या सीखा, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह लिखते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट, ये सब क्या है. अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ किस तरीके से करना है भाई. अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म क्या है. तो ये बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हमने सारी बातें कवर कर ली हैं. कोई सवाल है तो पूछ लो, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अच्छा, आप आ जाओ यार, टॉपिक जो है वो बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड ऑपरेशंस है. ऑपरेशन पढ़ने से पहले ये बात ध्यान में रख लो कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप बोलते हो कि यार दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये आपस में इक्वल कब होते हैं, तो याद रखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल उसी वक्त होंगे जब उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल है. फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लो, इसको हम बोलेंगे इक्वेलिटी, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे. तो बिलफर्ज आप बोलते हो कि Z1 है प्लस बी आयोटा, और Z2 को हम कह देते हैं C प्लस डी आयोटा. हम बोलते हैं कि यार ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, Z1 बराबर होगा Z2 के कब, I डबल F. किसी को मतलब पता I डबल F का,
नहीं पता, इसको हम बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। उर्दू में हम बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ, मतलब जेड वन और जेड टू सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में इक्वल होंगे। किस कंडीशन में? जब रियल पार्ट आपस में इक्वल है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट आपस में इक्वल हो। इसी तरीके से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी और इसका इमेजिनरी आपस में इक्वल हो। ए और बी आपस में इक्वल होना कोई शर्त नहीं है। हाँ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी, सॉरी, रियल आपस में इक्वल हो और इमेजिनरी आपस में इक्वल हो, तो आप बोलोगे वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? इक्वल है। सही, कोई मसला हो पूछते जाना। अच्छा, अब जरा ऑपरेशंस पढ़ते हैं। ऑपरेशंस का मतलब कि यार दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किस तरीके से करना है, सब्ट्रैक्ट किस तरह करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड। जैसे रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते थे, अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला ऑपरेशन हमने पढ़ना है एडिशन, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने ऐड किस तरीके से करना है। देखो, एक तो कार्टेशियन फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये ए प्लस बी आयोटा वाली, और एक होती है वो ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म। दोनों फॉर्म में आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो आपको इतना फर्क नहीं लगेगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिविजन में आपको कार्टेशियन फॉर्म और ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म दोनों में अलग अलग फर्क होता है। आंसर सेम ही आता है, लेकिन प्रोसेस करने का फर्क अलग होता है। तो जरा देखते हैं क्या करना है हमने। फॉर एग्जाम्पल, एडिशन की बात करते हैं, तो भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही लेट करते हैं, जेड वन और जेड टू। बिलफर्ज अगर आपको कोई बोलता है कि यार जेड वन और जेड टू को ऐड करो, मतलब ए प्लस बी आयोटा को हमने ऐड करना है सी प्लस डी आयोटा में। अच्छा, ये जो मैंने ब्रैकेट लिखी हुई है ना, ये कार्टेशियन फॉर्म ही है, ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म वो होती है जिसमें कॉमा आता है, इसको इस तरह याद रखो। ये जो ए प्लस बी आयोटा है, इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ये है। तो मैं इनको इस फॉर्म में भी ऐड कर सकता हूँ, या मैं इनको इस फॉर्म में भी ऐड कर सकता हूँ, ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी। दोनों फॉर्म में आप ऐड कर सकते हो, कोई आपको पाबंदी नहीं है। इस वाली फॉर्म में भी, इसमें भी, एक ही बात है। और याद रखना है, जो ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म होती है ना, इसमें आयोटा नहीं आ रहा होता, क्योंकि मैंने क्या बताया, इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, तो आयोटा नहीं आता इस ब्रैकेट वाली नोटेशन के अंदर। जरा ऐड करते हैं। किस तरह ऐड करोगे यार? आपने रियल पार्ट को आपस में ऐड करना है। इसको इस तरह समझो जैसे अलजेब्रा में जब आप दो एक्सप्रेशंस को आपस में ऐड करते थे, तो फॉर एग्जांपल एक्स वाले टर्म को एक साथ ऐड करते थे, वाई वाले टर्म को एक साथ करते थे, लाइक टर्म्स होती थी ना, वही काम करना है। जो रियल है उनको ऐड करो, मतलब ए और सी को आपस में ऐड करो, ए प्लस सी, और जो इमेजिनरी है उनको आपस में ऐड करो। इमेजिनरी क्या है? बी आयोटा और डी आयोटा। ठीक है, अब वो जब नंबर्स होंगे तो हम देख लेंगे किस तरीके से ऐड करना है। अभी मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ, बुक में एक्सरसाइज 1.1 में इसी टाइप के सवाल है सारे, तो जरा देख लेंगे हम। अब देखो, इस तरह लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं। तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं कि बी प्लस डी आयोटा, मतलब मैंने बी आयोटा और डी आयोटा से आयोटा कॉमन ले लिया, तो बी प्लस डी बच जाएगा वो। ठीक है, और अगर इस फॉर्म में आप ऐड करोगे तो वही बात, ए और सी को ऐड करो, ये हो जाएगा ए प्लस सी कॉमा, बी और डी को ऐड करो, ये हो जाएगा बी प्लस डी। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, इसको जब आप इस फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी के साथ आयोटा लिख दोगे। तो ये एक ही बात है, दो अलग तरीकों से करो, कोई फर्क नहीं है, एक ही तरीके से हम कर रहे होते हैं। और जो बात हमने एडिशन की है, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी यही है कि बिलफर्ज अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है, मैं दोनों केस एक साथ डिस्कस कर लेता हूँ, तो बस आप सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। कहने का मतलब, बिलफर्ज अगर आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो इनके रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करो, मतलब ए माइनस सी, और इनके इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट करो, बी आयोटा माइनस डी आयोटा। तो अगर ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, एक ही तरीके से हम कर रहे होते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को, ताकि यहीं पे आप लोगों को बात क्लियर हो जाए। सब्ट्रैक्शन, तो दोनों एक साथ ही हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो मामला क्लियर हो जाए पूरा। कंसिडर कर लो, 2 + 3 आयोटा को ऐड करो -5 + 4 आयोटा में। तो आपने क्या करना होगा भाई, रियल को ऐड करो, 2 और -5 को ऐड करो, ये हो जाएगा -3, और 3 आयोटा और 4 आयोटा का ऐड करो, ये हो जाएगा 7 आयोटा। इस तरीके से आप ऐड करते हो, तो रियल को ऐड करो और इमेजिनरी को ऐड करो आपस में। कोई सवाल यहां तक? सर वहाँ जो मिड वाली टर्म है उसमें प्लस नहीं आएगा, मिड वाली टर्म में, ये माइनस नहीं किधर मिड आएगा, वाली टर्म? ये इक्वल टू सब्ट्रैक्टिव इसके ऊपर वाली, इसके ऊपर, इसके ऊपर वाली के लास्ट वाली।
ये कह रहे हो इसके बराबर वाला, इसमें इसके मिड में जो प्लस है उसके नीचे माइनस नहीं आएगा, माइनस लिखा हुआ है ना? इधर इधर दो, जब दो ऐड हो रही है तो टर्म्स ऐड हो रही है आपस, आयोटा वाली और अरे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो ऐड हो रहे हैं उसके मीड में जो साइन है प्लस वाला नहीं उसके नहीं नहीं ऊपर नहीं माइनस। नहीं 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 वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। उसकी वजह मैं सिंपल, एक सेकेंड, उसकी मतलब इस तरह तुम समझो ना, बिलफर्ज अगर तुम ऐड कर रहे हो ना, जैसे 2 + 3 आयोटा, ये सीन है, तो मैंने इसको इस तरह लिखा है। वो जो अगर ये नेगेटिव होगा ना, खुद ही इसको नेगेटिव कर देगा, मैंने उस नोटेशन में नहीं किया। बिलफर्ज आप ये समझ लो कि 2, इसको इस तरह लिखो, 2 - -5 पॉजिटिव 5 हो जाएगा, ठीक है। दरमियान में यहाँ पे पॉजिटिव ही डालो, 3 iota - 4 iota, 3 iota - 4 iota, आयोटा कॉमन ले लिया, ठीक है। अब दरमियान में पॉजिटिव भी लिखा है, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये इसको नेगेटिव कर देगा, ठीक है। तो असल में जो बताना चाह रहा था ना, वो बताना मैं ये चाह रहा था कि आपने रियल को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, इमेजिनरी को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। अब उसका साइन जो भी होगा वो इसको माइनस या प्लस करके वो कर देगा उसको। जैसे इसमें पॉजिटिव था दरमियान में, लेकिन जब आप सिंप्लीफाई करोगे इसको तो ये हो जाएगा 7 - iota, तो दरमियान में नेगेटिव आ गया खुद ही, समझ आया। जी सर, तभी मैं इस फॉर्म में लिखवाना चाह नहीं रहा था, मैंने कहा तुम लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन मैंने एक साथ डायरेक्ट ही लिखवा दिए। जनरल फॉर्म याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि प्लस माइनस कहाँ पे आएगा, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे ये है ना, जैसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, मैं एक सब्ट्रैक्शन की भी एग्जाम्पल नीचे को दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 4 - 3 iota, और इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है 6 - 4 iota, फॉर एग्जाम्पल इससे करना है। तो सिंपल तरीका क्या है, रियल को आपस में सब्ट्रैक्ट करो, 4 - 6 क्या हो जाएगा, -2, -3 iota, -4 iota, तो ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो -3 iota और 4 iota, ये क्या हो जाएगा, सिंपल आयोटा हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में क्या हुआ है, 4 - 6, और ये आयोटा कैसे आया, -3 iota + 4 iota, ये काम किया मैंने। तो मुझे बताओ एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको समझ आ गई है, किसी को कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, हाँ नहीं ना करके सर, बता दो। बाकी बोले नहीं है, बाकी इनको तकलीफ हो रही है क्या, मतलब कोई इश्यू हो रहा है तो बता दो। नहीं यार, बता दिया करो ना यार। अच्छा अब हम डिस्कस करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कर ली है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को अलग अलग करेंगे, ऑब्वियसली इन दोनों में अलग अलग फर्क है। जरा मल्टीप्लीकेशन पे आ जाओ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है। तो देखो एक तो है कि आप फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। फॉर्मूला जो नॉर्मली हम यूज करते हैं ना, तो हम वो ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म यूज कर रहे होते हैं, आसानी होती है हमें। और एक है कि मैनुअली आप मल्टीप्लाई कर दो, जैसे वो आप बचपन में दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते थे ना, उस तरह मल्टीप्लाई कर दो। दोनों तरीके हैं, मैं बता देता हूँ। पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। फॉर्मूला काम क्या है कि बिलफर्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 है, आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना इसको, तो फॉर्मूला क्या है, AC - BD कॉमा AD + BC, या इसको इस तरह याद रख लो, BC + AD। ब्रैकेट फॉर्म भी याद रख सकते हो, और वैसे भी आप हटा दो, मैंने पहले ही बताया ब्रैकेट फॉर्म या दूसरी फॉर्म कोई फर्क नहीं है इसमें, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शुरू में ही जहन में मना लो कि एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है इनके अंदर, बस अपनी आसानी के लिए ब्रैकेट फॉर्म में लिखा हुआ था बस। अच्छा ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला होता है। अब मैं एक फॉर्मूले से भी मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, और एक मैं वैसे मैनुअली भी मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लेते हैं, 2 + 3 iota और -5 + 4 iota। तरीका क्या है मल्टीप्लाई करने का, जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करते थे बचपन में, 2 को मल्टीप्लाई करो -5 से -10, 2 को मल्टीप्लाई करो 4 iota से 8 iota, 3 iota को मल्टीप्लाई करो -5 से तो -15 iota, और 3 iota को 4 iota से करो तो 3 × 4 = 12, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 iota² इसी तरह कर देते हैं ना दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई। अब सिंप्लीफाई करते हैं, -10 और 12 iota². देखो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, करने कर लेते हैं, चलो 8 iota और -15 iota, ये हो जाएगा -7 iota। और ये जो आयोटा स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू आप लोगों को अभी पढ़ी थी, क्या होती है, -1 होती है, तो ये हो जाएगा सिंपल -12। तो -10
और माइनस 12 ये हो जाएगा माइनस 22 और माइनस 7 आयोटा को अपनी जगह पे रखो। इस तरीके से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हो। तो बहुत बेसिक तरीका है जिस तरीके से आप लोग मल्टीप्लाई करते थे। अब दूसरा तरीका क्या है कि आप फॉर्मूला यूज कर लो, फॉर्मूला ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में यूज कर लो या इस फॉर्म में यूज कर लो, एक ही बात है। जैसे इसी फॉर्म में यूज करके देख लेते हैं। चलो इस फॉर्म में अगर आप यूज करोगे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ए बी सी डी यहां पे क्या है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ये तो हमें पता चल गया यार, जरा करके देखते हैं। फॉर्मूला कहता है ए सी, मतलब टू को मल्टीप्लाई करो, मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो अच्छा ए बी सी डी में आयोटा नहीं आता, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ए बी सी डी कोई आयोटा की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इसके अंदर। तो टू को मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले ए को सी से करना है ना, टू को मल्टीप्लाई करो माइनस फाइव से, तो क्या हो जाएगा माइनस 10। फिर फॉर्मूला कहता है माइनस बी डी, बी क्या है 3 और डी क्या है 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12। तो ये मैंने क्या किया, ए सी माइनस बी डी प्लस बी सी प्लस ए डी, ये बी है ये सी है, 3 को माइनस 5 से करो माइनस 15 प्लस ए डी, ये है डी ये है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8 और क्या लगा दो। जब आप ब्रैकेट हटाओगे ना इसकी, मतलब ब्रैकेट हटाओगे तो प्लस बी सी प्लस ए डी आयोटा, ब्रैकेट की फॉर्म में आयोटा लिखते हैं, ब्रैकेट अगर हटाओगे तो आयोटा नहीं लिखना होगा, मतलब आयोटा लिखना होगा। तो सेम वही माइनस 22 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा, सही। और यहां पे एक तीसरी चीज भी बता देता हूं। तीसरी चीज ये है कि अगर आपने इसको ब्रैकेट की फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3 आयोटा को क्या लिख सकते हो 2.3 और माइनस 5 प्लस 4 आयोटा को लिख सकते हो माइनस 5.4। तो अगेन कोई मसला नहीं है, जिस तरीके से आपको आसानी है आप उस तरह करो। अगेन ए को मल्टीप्लाई करो, वही सीन है, 2 को मल्टीप्लाई करो माइनस 5 से माइनस 10 और माइनस बी डी, 3 को मल्टीप्लाई करो 4 से 12 कॉमा बी सी प्लस ए डी, 3 को मल्टीप्लाई करो इससे माइनस 15 प्लस आ रहा है सॉरी ए डी, ए 2 है डी यहाँ पे 4 है 8 हो जाएगा। तो सॉल्व करो हो जाएगा माइनस 22 कॉमा माइनस 7। तो ये ब्रैकेट फॉर्म है, ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो वही माइनस 22 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन का टॉपिक कंप्लीट। कोई सवाल, मसला नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ डिवीजन के ऊपर, डिवीजन। अब डिवीजन के डिवाइड किस तरीके से करना है, देखो असल नॉर्मली जो फॉर्मूले वाली फॉर्म होती है ना, ये हम ऑर्डर्ड पेयर वाली यूज कर रहे होते हैं, और फॉर्मूले के बगैर आपने यूज करना है तो आप इस तरह यूज करते होते हैं। ये हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ होता है यूज करने का तरीका। अब डिवीजन पे आ जाओ। अब अगेन डिवीजन, अच्छा ये फॉर्मूला प्रूफ भी हुआ है बुक में, देखो बड़ी बात नहीं है कि जिस तरीके से आपने मल्टीप्लाई किया ना, आप इनको जनरलाइज फॉर्म में मल्टीप्लाई करो, मतलब ए प्लस बी आयोटा सी प्लस डी आयोटा, इनको नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, एंड पे ये वाला फॉर्मूला आ रहा होगा कि रियल पार्ट में आपको नजर आ रहा होगा ए सी माइनस बी डी और इमेजिनरी पार्ट में नजर आ रहा होगा। तो ऐसा नहीं कि फॉर्मूला कहाँ से आया, ये बेसिक इन दोनों को नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करो तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, ये सही। सेम काम डिवीजन के अंदर भी है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो मैं डिवाइड करने की टेक्निक बता रहा हूँ ना, उसको आप जनरल फॉर्म में करोगे तो आपके पास वो फॉर्मूला आ जाएगा जो मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो फॉर्मूला क्या है, जेड वन अपॉन जेड टू, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का। जो मल्टीप्लीकेशन का पढ़ा है ना उसको याद रख लो, डिवीजन का याद रखने की जरूरत नहीं है। ए सी माइनस बी डी पढ़ा था ना, तो आप लिख दो ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और दूसरे का भी यही होगा। इसी तरीके से यहां पे पढ़ा था बी सी प्लस ए डी, यहां पे होगा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना कोई मुश्किल नहीं है अगर आपको मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला आता है तो। न्यूमिनेटर में जहां इधर नेगेटिव था वहां पॉजिटिव लगा दो, जहां पॉजिटिव था वहां नेगेटिव लगा दो, और डिवाइड आपने किससे करना है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से, ठीक है। तो अगर आप ब्रैकेट फॉर्म में डिवाइड कर रहे हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करो। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेते हैं, 2 प्लस 3 आयोटा ब्रैकेट फॉर्म में लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा 2.3 और माइनस 5 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा माइनस 5.4। अब अगर आपको बोले कि यार इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने डिवाइड करना है तो किस तरीके से करोगे, अब आपको अगेन ए बी सी डी ये पता होना चाहिए। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, सही। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए सी 2 को मल्टीप्लाई करो सी से, मतलब माइनस 5 से, ये हो जाएगा माइनस 10 प्लस बी डी, बी 3 है और डी 4 है, मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर,
माइनस फाइव का स्क्वायर होगा 25 और 4 का स्क्वायर होगा 16. ये सी है और ये डी है ना. अच्छा जी, उसके बाद है बी सी माइनस ए डी. तो बी सी क्या है, 3 को मल्टीप्लाई करो माइनस फाइव से, माइनस 15, माइनस ए डी 2 को मल्टीप्लाई करो 4 से, ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय वही सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. डिनोमिनेटर दोनों के इक्वली होंगे. नेक्स्ट स्टेप में आप सिंप्लीफाई कर दो, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 41. तो 2 अपॉन 41 कॉमा ऊपर बचेगा माइनस 23, नीचे बचेगा अगेन 41. दैट्स इट. ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने डिवाइड कर दिया बाय यूजिंग फॉर्मूला. फॉर्मूला बताना भी जरूरी होता है क्योंकि फॉर्मूले के बगैर भी आप कर सकते हो मल्टीप्लाई और डिवाइड, लेकिन कभी एमसीक्यूज में फॉर्मूला डायरेक्ट जनरल फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा, तो वो फॉर्मूला एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है. तो बेशक फॉर्मूला यूज करो ना करो, लेकिन याद आपको होगा तो, वरना फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा एमसीक्यूज में, टाइम लगेगा आपका. तो बेहतर है याद कर लो तो बेहतर है, वरना अगर भूल जाओ तो इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना जिस तरह मैं आप टेक्निक बताने लगा हूं, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा. ठीक है, अब जरा देख लेते हैं दूसरी टेक्निक क्या है. दूसरी टेक्निक समझने से पहले ना मुझे बोर्ड थोड़ा खाली चाहिए, तो काम करो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई सवाल है तो पूछ लो साथ ही. तो हमने अभी तक बेसिकली चार ऑपरेशन पढ़े, लेकिन हमने तीन का नाम दिया है, सही है. डिवीजन का दूसरा समझने के लिए ना आपको पहले चौथा ऑपरेशन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको डिवीजन का दूसरा तरीका समझ आएगा. वो चौथा ऑपरेशन क्या होता है, मैं थोड़ी सी जगह चलो इधर ही कर दूंगा, चौथा ऑपरेशन यहां पे लिखते हैं. और चौथा ऑपरेशन क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना. अब मुझे यहां पे बताओ किसी स्टूडेंट को यहां पे पता है कॉन्जुगेट क्या होता है, मैट्रिक में है ये वर्ड, पहली दफा नहीं पढ़ रहे. क्या करते हैं, नंबर इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करते हैं. ये तो आपको पता है ना, खैर आपने तो बता दिए, बहरहाल आपने बखाने पहले से पढ़ा है इसलिए. कॉन्जुगेट जो है ना, नॉर्मली जब आप बाइनोमियल पढ़ते हो ना, मैं दो टर्म लिखी है, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, सिंपल मैं दो टर्म्स की बात करूं, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, जो भी लिखा हुआ है. तो दो टर्म्स का आप कॉन्जुगेट लेते हो, और कॉन्जुगेट क्या होता है, दरमियान का साइन आप चेंज कर देते हो. ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम ये बोलते हैं, अच्छा नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा तो इस फॉर्म में जाता है, जैसे 2 प्लस फॉर एग्जांपल 3 आयोटा, लेकिन कभी आपको नजर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखा होगा, मतलब पहले इमेजिनरी लिखा होगा बाद में रियल लिखा हुआ होगा. तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि दरमियान वाले का साइन चेंज कर दो. कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो इमेजिनरी नंबर है ना उसका आपने साइन चेंज करना है. तो जनरल फॉर्म में मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये जो ऊपर मैंने बाल लगाई है ना कॉन्जुगेट का सिंबल होता है कि z कॉन्जुगेट, क्या होगा कि आप ये जो b आयोटा है ना इमेजनरी, इसके साथ नेगेटिव कर दो, मतलब इसका साइन चेंज करना होता है. ये नहीं कि बिलफर्ज फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस 4 आयोटा, और मैं आपको बोलता हूँ कि यार इसका कॉन्जुगेट लो, तो ये नहीं कि देखो पहले से नेगेटिव है तो हाँ नेगेटिव ही होगा, नहीं नेगेटिव नहीं करना होता, साइन चेंज करना होता है. किसका, इमेजिनरी का, रियल अपनी जगह पे रहता है. बिलफर्ज अगर रियल नेगेटिव है, रियल पॉजिटिव है, उसको नहीं हम छेड़ते, वो अपनी जगह पे. इमेजिनरी का जो है ना वो आपने साइन चेंज करना है. तो नेगेटिव था आपने पॉजिटिव कर दिया, ये तरीका होता है कॉन्जुगेट मालूम करने का. ठीक है, और कॉन्जुगेट से रिलेटेड एक पॉइंट आखिरी आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि जरा देख लेते हैं. मैंने आप लोगों को डायग्राम तो बताई हुई है ना, आर ज्ञान डायग्राम, तो अब आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी. बिलफर्ज करो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ड्रॉ करते हैं जो ड्रॉ करने में थोड़ा इजी हो. बिलफर्ज कर दो ये एक्स एक्सिस पे 3 है और ये वाई एक्सिस पे 4 है, समझने में थोड़ी आसानी होगी. तो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आ गया, ये क्या कहलाया जाएगा 3, 4, मतलब इसका रियल जो है वो 3 है और इमेजिनरी जो है वो 4 है. 3, 4 का कॉन्जुगेट क्या होगा, बाकी को समझ आई बात सर, इमेजनरी का साइन चेंज करें ना, तो इमेजनरी यहाँ पे क्या है 4 है. अब सर हम ड्रॉ करते हैं 3, -4 को, किस तरह ड्रॉ होगा भाई, 3 तो अपनी जगह पे, -4 कहाँ पे होगा, -4 कंसीडर कर लो कि यहाँ पे है, तो अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे ड्रॉ होगा.
तो यहां से आप एक बात ऑब्जर्व करोगे, ये है 3, -4, यहां से आपने एक बात ऑब्जर्व की, वो बात क्या है? एक कॉन्सेप्ट होता है मैथ के अंदर, ये वैसे नॉर्मली सेकेंडरी लेवल पे भी नहीं होता, आप लोगों की पहले वाली बुक में नहीं होता था, अभी फंक्शन का पोर्शन है तो आप लोगों को बाद में भी काम आएगी, कि जब आप एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन आप लोगों ने बचपन से ऑब्जर्व किया है, जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो आपको नजर आते हैं अपनी इमेज, तो शीशा वर्क किस तरह करता है सिंपल लैंग्वेज में, ये शीशा आपके सामने है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि पीछे आप खड़े हुए हो, फॉर एग्जाम्पल आप शीशे को देख रहे हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि पीछे से आप इस तरफ देख रहे हो, यही सबके शीशों में ही नजर आते हैं ना, में भी तुम लोग घर में कोई और शीशे सही। अब यही समझ लो कि इस शीशे को इस तरह कर देते हैं, कंसीडर कर लो ये शीशा इस तरह है और आप यहां पे खड़े होकर देख रहे हो, कंसीडर कर लो आप टेढ़े हुए हो और आप शीशे को इस तरह देख रहे हो, तो अब आपको अपना आप कहां पे नजर आएगा, इस तरह नीचे की नजर आ रहा होगा, इस बात से एग्री करते हैं सब? जी सर। शीशा रखो यहां पे और कंसीडर कर लो आप इस तरह देख रहे हो, सिंपल ये जो अपना फ्लोर है ना इस पे शीशा रखो, तो आपको लगेगा कि शीशे के नीचे से भी कोई आपको देख रहा है, मतलब आप अपने आप को देख रहे हो, तो मैथ में इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, मतलब ये तो फिजिक्स में भी कहते हैं रिफ्लेक्शन, मैथ में बोला जाता है कि ये जो कॉन्जुगेट है ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर की रिफ्लेक्शन होती है अबाउट एक्स एक्सिस, ये जो मिरर मैंने इस तरह रखा है ना ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर इधर था और कंसिडर कर लो यहाँ पे कोई मिरर है तो एग्जैक्टली उसका कॉन्जुगेट नीचे है, ये बात होगा, इसी तरह अगर बिलफर्ज कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे होगा उसका कॉन्जुगेट यहाँ पे होगा, तो कहने का मतलब यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की बिल्कुल रिफ्लेक्शन होती है अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे अगर आप मिरर रख दो तो एग्जैक्टली उसकी रिफ्लेक्शन होती है, तो ये मैं पॉइंट लिखवाना चाह रहा हूं कि कॉन्जुगेट इज अ रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट, ठीक है ये पॉइंट आपको बताना चाहिए। अब दोबारा आ जाओ डिवीजन के ऊपर, यहाँ पे एक पांचवा ऑपरेशन भी पढ़ाऊंगा लेकिन फिलहाल उस पांचवा ऑपरेशन को छोड़ते हैं, पहले हम डिवीजन पे आते हैं, जो हमारा अधूरा काम था वो हम पूरा कर लें, कि एक तो मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मुला यूज कर लो, ठीक है अब बिलफर्ज आप कहते हैं सर फॉर्मुला भूल गया मैं, अब मैंने मैनुअली कैसे डिवाइड करना, तो ये इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर को लेते हैं, कि बिलफर्ज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा और एक है -5 + 4 आयोटा, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए जाते हैं और आपको बोलते हैं कि डिवाइड करो, याद रखो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो एड सब्ट्रैक्ट कॉन्जुगेट मॉडुलस कुछ भी आपने काम करना है इनवर्स लेना जो भी है, आंसर जो है आपका वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर, दरमियान में नेगेटिव भी आ सकता है कोई सुनिए, रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर ये अलग अलग होने चाहिए, रियल अलग है इमेजनरी अलग है, ये फॉर्म होती है, ठीक है अब बिलफर्ज अगर मैं आपको बोलता हूँ यार इसको अभी अलग करो, ये अलग हो ही नहीं सकता, अगर आप देखो ये अलग तो नहीं हो सकता, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अब हम सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे जो डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम कॉन्जुगेट लेंगे और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, हम कर क्यों रहे हैं ऐसा, उसकी रीजन आपको यहाँ पे समझ आएगी, इस ऑपरेशन को मैं बाद में पढ़ा दूंगा, यहाँ पे एक ऑब्जर्व करते हैं हम चीज, कंसीडर कर लो कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके कॉन्जुगेट से, तो हम जरा देखते हैं फर्क क्या पड़ रहा है, ए को ए से मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर, ए को माइनस बी आयोटा से करो माइनस ए बी आयोटा, बी आयोटा को ए से करो तो ए बी आयोटा, बी आयोटा और माइनस बी आयोटा, बी को माइनस बी से करोगे तो माइनस बी स्क्वायर और आयोटा को आयोटा से करोगे तो आयोटा स्क्वायर, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो सॉल्व करो आंसर क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें ऑब्जर्व करने वाली वैसे क्या बात है, क्या नजर आ रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन क्या है आप लोगों की आंसर को देख के, कोई चीज मिसिंग नहीं है यहाँ पे, दोनों रियल है, सारा रियल है, कोई आयोटा आपको नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, और अगर आप डिनोमिनेटर से आयोटा को हटा दो तो अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को सेपरेट कर सकते हो, मतलब रियल को अलग इमेजनरी को अलग, तो अगर आपने आयोटा को हटा दिया तो पीछे रियल ही बचेगा ना, एक नंबर बचेगा, तो आप एलसीएम ब्रेक कर देना, अभी बताऊंगा एलसीएम ब्रेक किस तरह होता है, तो मेन मकसद क्या आयोटा को हटाना है, तो आयोटा को हटाने के लिए आप क्या करोगे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे वो रियल बन जाएगा,
और यहां से आपने एक और चीज सीखी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप कॉन्जुगेट से करते हो ना, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आंसर याद रख लो। आंसर क्या है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट्स इट। वरना ये फालतू के एक्स्ट्रा स्टेप करने पड़ेंगे। रियल का स्क्वायर करो प्लस इमेजनरी का स्क्वायर करो, कब? जब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जरा देख लेते हैं, अब वही बात, इसको मुझे डिवाइड करना है, मैं क्या करूंगा, दरमियान में आयोटा आ रहा है नीचे, तो मुझे आयोटा को हटाना है, मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लूंगा और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। कॉन्जुगेट क्या होगा? -4 आयोटा। कॉन्जुगेट लिया और मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अब फायदा क्या होगा जरा हम देखते हैं। आयोटा हट जाएगा डिनोमिनेटर से, ऊपर तो न्यूमरेटर में तो वैसे ही मल्टीप्लाई करो जैसे आप करते हो। 2 को -5 से करो -10, 2 को -4 आयोटा से करो -8 आयोटा, 3 आयोटा को -5 से करो -15 आयोटा, 3 आयोटा को -4 से करो 3 -4 -12 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। और नीचे क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कॉन्जुगेट। तो हमें तो ट्रिक पता है, क्या ट्रिक है? रियल का स्क्वायर करो प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। रियल यहाँ पे क्या है? -5, तो -5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी क्या है? 4 का स्क्वायर। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे इमेजिनरी -4 है, तो छोड़ दो ना, -4 का स्क्वायर करो या 4 का करो, बात तो एक ही होती है ना, तो उसको हम भूल जाते हैं वो, ठीक है। अच्छा, तो इमेज रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, 2 स्टेप से आप बच गए हो, वरना आपको नीचे भी इसी तरह मल्टीप्लाई करना पड़ता, टाइम बचने बचा लिया थोड़ा। अब क्या होगा? अगेन वही बात, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे +12 हो जाएगा, तो -10 और +12 ये क्या हो जाएगा? चलो मैं लिखवा देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -10 + 12, ये तो रियल को आपस में ऐड कर दिया, -8 आयोटा -15 आयोटा, ये क्या हो जाएगा? -23 आयोटा। -5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 25 और 16 41। तो अगर आप ऑब्जर्व करो ना, ऊपर क्या लिखा हुआ है? -12 -10 + 12, सिंपल 2 लिखा हुआ है, तो हम अपनी आसानी के लिए 2 लिख ही देते हैं यार, एक फर्दर एक्स्ट्रा स्टेप लग जाएगा। तो ये हो गया 2 - 23 आयोटा। अब आप क्या कर सकते हो? अब आप एलसीएम ब्रेक कर सकते हो। एलसीएम ब्रेक हम किस तरीके से करेंगे? हम इसको लिखेंगे 2/41 - 23/41 आयोटा। ये एलसीएम ब्रेक करना सबको समझ आ गया? दोनों के नीचे डिनोमिनेटर लिख दो, 2/41 - 23/41 आयोटा। ये बात समझ आ गई सबको यहां तक? यस सर। बस सही है। तो मसला हमारा हल कैसे हुआ? जैसे डिनोमिनेटर से आयोटा हट गया, आयोटा हटा, अब हम एलसीएम ब्रेक कर सकते हैं। मसला हल, ये वाला आंसर देखो, ये वाला आंसर देखो, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिख दो तो ये वाला बन जाएगा। तो कहने का मतलब, चाहे आप फॉर्मूला यूज करो या चाहे आप मैनुअली डिवाइड करो, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। मर्जी आपकी है, कोई रोकेगा नहीं आपको। ना पेपर में आता है कि फॉर्मूला यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा होता। ये डिवीजन की टेक्निक है। और बिलफर्स कभी ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि डिनोमिनेटर में, एग्जाम्पल दे देता हूँ, कर आप लोग लेना इसको, ये है 2 + 5 आयोटा फॉर एग्जाम्पल, और नीचे लिखा हुआ है 2 आयोटा। अब यहाँ पे आप देखो, जो डिनोमिनेटर में है ना, वो अगर ऑब्जर्व करो, वो इमेजनरी नंबर ही है, उसमें रियल कुछ नहीं है ना, तो इमेजनरी नंबर ही कहलाया जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको डिवाइड करना है। अब इसमें भी आप कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, किस सेंस में? हालांकि कॉन्जुगेट तो 2 टर्म के दरमियान होता है ना, तो आप इसको 2 टर्म बना लो। किस तरीके से? कि आप 2 आयोटा को इस तरह लिख दो, 0 + 2 आयोटा, और फिर आप बोलोगे इसका कॉन्जुगेट क्या है? 0 - 2 आयोटा। सिंपल लैंग्वेज में 2 आयोटा का कॉन्जुगेट -2 आयोटा। तो आप क्या करो, -2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है, आयोटा आपका हट जाएगा, मकसद तो आयोटा हटाना होता है ना। या सिंपल लैंग्वेज में आप यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कॉन्जुगेट को छोड़ो, सिंपल आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, मसला हल हो जाएगा। ये वाला आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो जो हमारा मकसद था आयोटा को हटाना, वो अचीव हो जाएगा। तो चाहे -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करो डिवाइड, या आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मकसद हमारा दोनों केसेस में अचीव हो जाएगा। आपकी मर्जी, आप जो करना चाहो, ठीक है। अब मुझे बताओ, सबको समझ आ गई है? कोई मसला? क्योंकि नेक्स्ट बात जो है वो थोड़ी सी वेक्टर से रिलेटेड है, लेकिन वेक्टर की बिल्कुल बेसिक सी बात होगी, मतलब कोई बहुत एडवांस लेवल नहीं है उसका। तो 5वां ऑपरेशन हमने क्या पढ़ना है? मॉडुलस। अब ये मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस भी कहते हैं, या इसको ये भी बोला जाता है, मतलब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या बोला जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों तरीके से बोला जा सकता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मतलब है इसका? बिलफर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है z = a + b आयोटा,
तो मॉडुलस का सिंबल क्या होता है? आप इस तरह दो वर्टिकल लाइन लगाते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या किया आपने? कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर किया, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आपने स्क्वायर कर दिया। इस तरीके से आप मॉडुलस लेते हो। एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, कंसीडर कर लो। कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 4 iota। आपको कहा गया है कि आपने इसका मॉडुलस लेना है, तो रियल पार्ट क्या है? 3, 3 का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट है -4, -4 का स्क्वायर। तो सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25, और 25 का √5। इस तरीके से हम मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो बहुत बेसिक सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। एक यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं यहाँ पे, अगर आप आर्गन डायग्राम से समझो, और वेक्टर का मैं कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ जो मैं तभी आप लोगों से पूछा था कि वेक्टर पढ़े हुए नहीं पढ़े हुए, हम एक काम करते हैं, हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर यही लेते हैं हम, ये कहाँ पे होगा, ये तो नीचे बनेगा ना। हम कंसिडर करते हैं 3, 4 को लेते हैं। हम जो ड्रॉ कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर वो है 3 + 4 iota, सही, या इसी को प्लस बना देते हैं ना, ताकि एग्जाम्पल के हिसाब से हमने सॉल्व किया है, सही। कंसिडर कर लो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं इसको ड्रॉ करने लगा हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1। वाई एक्सिस पे स्केलिंग मैं थोड़ी कम लेवल की कर रहा हूँ, वरना 4 नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो कंसिडर कर लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आ गया 3, 4। अब मैं कुछ आप लोगों को बात बताता हूँ वेक्टर से रिलेटेड। वेक्टर को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट, बस सिंपल, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर दो चीजें होती हैं, दो चीजें वेक्टर के अंदर आपको पता होनी चाहिए। कि एक होती है वेक्टर की लेंथ, कि वेक्टर कितना बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वेक्टर लिखा हुआ है, ये वेक्टर बनाया हुआ है, तो सबसे पहली बात क्या है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक इस वेक्टर की लेंथ क्या है? तो वेक्टर की एक लेंथ होती है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन बनाई हुई है, ये एरो बता रहा है इसकी डायरेक्शन इधर है। ये वाला वेक्टर अलग है, और अगर मैं एक वेक्टर इस तरह बनाऊं, ये अलग है। क्यों? लेंथ दोनों की सेम ही है, डायरेक्शन दोनों की अलग है, तो हम बोलेंगे दो अलग किस्म के वेक्टर हैं। तो एक बात आप लोगों को वेक्टर से रिलेटेड ये पता होनी चाहिए कि एक मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जिसको आप लेंथ कहते हो, और एक होता है डायरेक्शन वेक्टर के अंदर। दूसरी बात जरा देख लो, वेक्टर्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है फ्री वेक्टर का। फ्री वेक्टर आप लोगों ने शायद अभी तक पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, कि बिलफर्ज अगर एक वेक्टर मैंने बनाया है ना इस तरीके से, मैं सेम वेक्टर के और भी बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो सर इसी वेक्टर को कहीं ऊपर नीचे बना देते हैं, यही वेक्टर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, सेम यही वेक्टर है। और कोई भी बंदा वो बोलेगा ये और ये सेम है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो क्या क्या मतलब, क्या है इसका मतलब क्या है भाई? वेक्टर्स के अंदर दो चीजें होती हैं, लेंथ और डायरेक्शन। अब अगर आप इसकी लेंथ देखो, कंसिडर कर लो इसकी लेंथ 10 यूनिट है, इसकी लेंथ भी कंसिडर कर लो 10 यूनिट है, तो लेंथ दोनों की सेम है। जो इसकी डायरेक्शन है सेम, अगर आप ऑब्जर्व करो, मैंने सेम ही डायरेक्शन बनाई हुई है, 19-20 का शायद फर्क हो, लेकिन तकरीबन सेम डायरेक्शन बनाई हुई है। तो जो ये वेक्टर है ना, मैंने यहाँ पे भी ये बना दिया, इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम ही है ये, क्योंकि लेंथ भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो आप इनको बोलते हो सेम वेक्टर है ये। और क्या बोला जाता है? फ्री वेक्टर, मतलब इस वेक्टर को उठा के आप यहाँ पे ले जाओ, इस वेक्टर उठा के यहाँ पे ले जाओ, फ्री वेक्टर तभी वर्ड बोला जाता है। उठा के इधर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ आप इसको, एज फार एज उसकी लेंथ सेम है, उसकी डायरेक्शन सेम है, तो वो सेम ही माना जाएगा, कोई फर्क नहीं है उसके अंदर। और तीसरा एक कॉन्सेप्ट होता है कि बिलफर्ज अगर आपने कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया हुआ है ना, कंसिडर कर लो आपका वेक्टर यहाँ पे बना हुआ है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो अब फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपने देख लिया ना, अगर मैं आपको बोलता हूँ इस वेक्टर को उठा के इधर नीचे ले आओ, सेम डायरेक्शन रखते हैं, कंसिडर कर लो लेंथ थोड़ी ज्यादा इसकी लग रही है, इस वाले वेक्टर और इसमें कोई फर्क नहीं है। अब अगेन क्यों फर्क नहीं है भाई? कंसीडर कर लो, अगर इसकी लेंथ 7 है तो इसकी लेंथ भी 7 है, अगर इसकी डायरेक्शन इस तरीके से है तो सेम देखो इसकी डायरेक्शन भी यही है। इसका मतलब मैं ये बनाऊं या ये बनाऊं, एक ही बात है, लेंथ डायरेक्शन सेम है, तो खत्म होगी बात। तो कहने का मतलब, अगर ऐसा वेक्टर है जिसको आप इस तरीके से बनाओ कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ओरिजिन के ऊपर हो, इसको आप ओरिजिन कहते हो, जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0 है, तो ऐसा वेक्टर जिसको आप उठा के ओरिजिन पे बनाओ, तो उस वेक्टर को आप क्या बोलते हो? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये बातें जो मैंने 3-4 बताई हैं, सबको समझ आई हैं? सही। तो अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की बात समझ आ जाएगी। इसी तरह वेक्टर्स को लिखने का तरीका भी होता है, किसी को कोई वेक्टर लिखने का तरीका आता है? ये अभी तक आप लोगों ने देखा, थ्री
इस तरह 3 + 4 जे। किसी ने ये वाली चीज देखी है अभी तक जो मैंने लिखी है? जी तो जिसने देखी है उसको समझ आ जाएगा। ये वेक्टर्स के समझ लो के दो कंपोनेंट कह लो सिंपल लैंग्वेज में, एक्स कंपोनेंट को आई से लिखते हो और वाई कंपोनेंट को आप जे से लिखते हो। तो कंसिडर कर लो एक वेक्टर ये है और मैं आपको बोलूं कि दूसरा वेक्टर है फॉर एग्जाम्पल -4i + 5j। इन दोनों वेक्टर्स को आपस में ऐड करो तो आप क्या बोलोगे सर? जो आई कंपोनेंट है उनको आपस में ऐड करते हैं, एक्स कंपोनेंट जो है 3 और -4 ये हो जाएगा -i, और 4j और 5j ये हो जाएगा 9j। तो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका क्या होता है? एक्स कंपोनेंट जो है उनको आपस में ऐड करो, मतलब आई जो लिखे हुए जहां पे, और जो वाई उनको आपस में ऐड करो। यहां से आप एक बात देखोगे यार, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप की लग रहा है हमें भी। ये बात तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी आपने देखी है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, रियल रियल को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से करोगे, तो थोड़ी मुमासलत आपको सिमिलैरिटीज लग रही है वेक्टर्स के अंदर। ये पहली सिमिलैरिटी होगी। दूसरी है मैं बताने लगूं, वेक्टर्स के अंदर भी, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड ही तो है, ये जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के आंसर में 5 मिला है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ ही तो है। क्या मतलब लेंथ का सर? समझ नहीं आई बात? बात उससे समझ आएगी जब आप इस पॉइंट को, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो। तो ये जो मॉडुलस है ना, जो आपने मॉडुलस पढ़ा, ये मॉडुलस में जो आपको वैल्यू मिलती है, ये वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू ये होती है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से कितना दूर है, मतलब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर और आपके ओरिजिन में कितना डिस्टेंस है, ये आपको मॉडुलस बताता है। ये मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मतलब बनता है कि मॉडुलस आपको बताता है कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में और ओरिजिन में कितना फासला है, कितना डिस्टेंस है। तो अगर आप देखो तो अगेन पोजिशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, कि लेंथ आ गई इसके अंदर और डायरेक्शन भी होती है। ये आप लोगों के लेवल पे मेरे ख्याल में नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, लेकिन डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन के कॉम्प्लेक्स नंबर ये पूरा क्या एंगल बन रहा है, थीटा आप इसको कह लो, ठीक है, जिसको हम ऑर्गुमेंट कहते हैं। आप लोगों के लेवल में मुझे लगता नहीं कि सवाल होगा, मैंने पूरा चैप्टर वन देखा नहीं है, शायद ये टॉपिक हो शायद ये ना हो, मुझे नहीं पता उसका, क्योंकि न्यू बुक मैंने देखी नहीं है अभी तक। बस जो सामने टॉपिक आता जा रहा है मैं पढ़ाता जा रहा हूँ। तो बहरहाल ये कॉन्सेप्ट होता है, शायद आप लोगों में हो शायद ना हो। तो मैग्नीट्यूड भी आपने देख लिया, डायरेक्शन भी आपने देख ली। कॉम्प्लेक्स नंबर में डायरेक्शन थोड़ा डिफरेंट अंदाज में, आप थीटा की फॉर्म में कर रहे होते हो, यहाँ पे डिफरेंट कर रहे होते हो। असल बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और जो 2 डायमेंशन वेक्टर होता है जिसमें आई और जे होते हैं, इसमें काफी सिमिलैरिटीज आपको नजर आती हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कभी वेक्टर्स की फॉर्म में भी कर रहे हो, तो इसी तरह जैसे दो वेक्टर्स को आप ऐड करते हो ना डायग्राम के जरिए से, पैरेललोग्राम लॉ लगाते हो, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर उसी तरह आप ऐड करो, सेम वही कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल रहा होता है। तो यहां से आपने एक बात सीखी है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कभी वेक्टर्स की तरह भी ट्रीट करते हैं। ये टॉपिक आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है किसी एक्सरसाइज में चैप्टर वन के अंदर। और दूसरी बात आपने क्या देखी कि मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है? मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है, कोई स्टूडेंट बता सकता है? ट्राई करो कोई, कि मॉडुलस का क्या मतलब है? सर, इसका मतलब ये ना कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ओरिजिन से कितने फासले पर। एक्सेलेंट, कि आपका मॉडुलस मॉडुलस ये बताता है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। ये जो पूरा डिस्टेंस मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये क्या होता है, बेसिकली मॉडुलस होता है, जिसको आप ये मॉड लगा के जेड लिखते हो, मतलब दो वर्टिकल लाइन होती है जेड लगाते हो। तो ये मॉडुलस का कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, अब क्या बताया पीछे, ठीक है। यहां तक तो समझ आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट मुझे नहीं लगता कोई लेगा यार, लेना चाह रहे हो ले लो, ये नहीं बाद में बोलना कि मिटा दिए सर आपने, जल्दी से ले लो अगर लेना चाह रहे हो। अब जो मैंने बात मिस की थी ना, जरा उसको देख लेते हैं फिर खत्म करते हैं। वो बस हल्की फुल्की थी, वो थोड़ा नाम वाम आपको बताना चाहिए कि बिलफर्ज आपने देखा ना कॉम्प्लेक्स नंबर ये है a+b i, तो इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर ही आप बोल रहे होते हैं। बिलफर्ज कंसिडर करो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में जो b है ना वो 0 है, तो अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, a+0 i, या सिंपल लैंग्वेज में a के बराबर होगा। अगर b 0 हो गया तो इमेजिनरी नंबर हट गया, पीछे क्या बचेगा, रियल। तो हम क्या बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ये ऑब्वियसली, लेकिन साथ साथ रियल नंबर है ये। जब कॉम्प्लेक्स नंबर में ए सॉरी बी 0 हो जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, रियल हो गया, उसके लिए रियल का वर्ड हम यूज कर रहे होते हैं। और बिलफर्ज अगर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में ए 0 हो जाए तो ये 0 हो गया, पीछे क्या बचा, बी आयोटा, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, बी आयोटा। तो है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्योर इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी बोला जाता है इसको। इसको भी प्योरली रियल बोल सकते हैं, लेकिन बोलते नहीं है वैसे, बोल सकते हो आप इसको भी,
प्योर रियल, प्योर इसलिए कह रहे होते हैं कि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी दोनों होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर इमेजिनरी जीरो हो जाए तो हम बोलेंगे कि प्योर रियल बच गया इसके अंदर, कोई और नहीं है इसके अंदर। और बिलफर्ज अगर रियल जीरो हो जाए तो हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी इसके अंदर बच गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो ये प्योर इमेजिनरी का वर्ड बोला जाता है, इसको भी जरा देख लेना, मेरे जहन में आया था। बाकी तो हो गए, अब मुझे देखने दो, चैप्टर नंबर 1.1 के सारे टॉपिक मैंने कवर करवा दिए हैं। सबट्रैक्शन हो गया है, कॉन्जुगेट भी बता दिए, मॉडुलस भी हो गया है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता दिए। अच्छा, ये ऑर्डर वाला रह गया, सही है। बस आखिरी 1.1 का एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, देख लेते हैं जरा उसको, दो मिनट का है बस, इंशाल्लाह कल 1.1 सॉल्व कर लेंगे। बहुत छोटी सी है, वही एड सब्ट्रैक्ट कॉन्जुगेट मॉडुलस ही लेना है जो कि हमने साथ साथ देख लिया है। तो 1.1 फॉरन नहीं हो जाएगी, 1.2 पर हम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, आखिरी चीज है वो एक बुक में उन्होंने लिखा हुआ है ऑर्डर रिलेशन। ये ऑर्डर रिलेशन का मतलब क्या होता है, देखो जो रियल नंबर होते थे ना, ऑर्डर रिलेशन सिंपल इनइक्वालिटीज होती हैं। आप ये समझ लो कि इनइक्वालिटीज क्या है, जरा इसको देख लेते हैं। ये साइन तो आपने देखे होंगे ना बचपन से, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये तो देखे ही होंगे, आई एम श्योर देखे मैं ना। यस सर, हाँ बोल दिया करो जल्दी जल्दी। तो ऑर्डर रिलेशन का मतलब होता है कि दो रियल नंबर्स को आप आपस में कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये बात बोल सकता हूँ कि 2 इज ग्रेटर देन 1, 5 इज ग्रेटर देन 4। हाँ, 5 इज ग्रेटर देन 4 क्यों, क्योंकि आप इनको ना एक नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते थे। आप ये कह सकते हैं नंबर लाइन है भाई, जो यहाँ पे आ रहा है वो नंबर छोटा होगा, जो यहाँ पे आएगा वो बड़ा होगा। इसी तरह जो यहाँ पे आ रहा है वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू दिस, सही है। क्यों, आप सब रियल नंबर को एक लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते थे। कॉम्प्लेक्स नंबर एक लाइन पर ड्रॉ ही नहीं होते, कॉम्प्लेक्स नंबर को तो पूरे प्लेन पे कहीं भी ड्रॉ करना चाहो कर लो, वो कोई एक लाइन पर ड्रॉ नहीं होते। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको ये नहीं बोल सकते, फॉर एग्जाम्पल मैं ये बात नहीं बोल सकता कि 2 + 2 iota इज ग्रेटर देन 2 - 3 iota, फॉर एग्जाम्पल सेंस ही नहीं बन रही इसकी। मैं क्यों ग्रेटर बोल रहा हूँ इसको, यहाँ पे तो ग्रेटर बोलने की सेंस थी ना, यहाँ पे क्या मतलब है 2 + 2 iota क्यों ग्रेटर है 2 - 3 iota से। तो कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये जो ऑर्डर रिलेशन है ये नहीं होते, ठीक है। तो नो ऑर्डर रिलेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में आप इस तरह कंपेयर नहीं कर सकते कि यार ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इससे बड़ा है, ये वाला उससे छोटा है। हाँ, बट देर इज ऑर्डर रिलेशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको मॉडुलस हम बोलते हैं, कि मॉडुलस के अंदर आप ऑर्डर रिलेशन बना सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जुमला बोलना अजीब है कि 2 + 2 iota इज ग्रेटर देन 2 - 3 iota, ये जुमले की सेंस नहीं है, ये जुमला नो सेंस, कोई भी सेंस नहीं बना रहा। हाँ, 2 + 2 iota का मॉडुलस जो है वो ग्रेटर या स्मॉल हो सकता है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से, उसकी सेंस बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 2 + 2 iota का जब मॉडुलस निकालोगे ना, तो क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर, 4 + 4 ये हो जाएगा √8। और अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं निकालूं, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 9 = 13। अब आप ये बात बोल सकते हो कि अगर आप ऑब्जर्व करो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो है, क्योंकि मॉडुलस में रियल नंबर आते हैं ना, और रियल नंबर को कंपेयर कर सकते हो, आपको पता है ऑब्वियसली कि √8 छोटा है और √13 बड़ा है। अब आप ये बात बोल सकते हो कि 2 + 2 iota का जो मॉडुलस है वो लेस है एज कंपेयर टू 2 - 3 iota के मॉडुलस के। ये वर्टिकल लाइंस का मतलब मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो यहाँ पे आपने पढ़ा था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपस में सेंस नहीं बनाता रिलेशन के कौन ग्रेटर है कौन स्मॉल है। हाँ, जो मॉडुलस है उनके अंदर ये बात सेंस बना सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस में आपको रियल आंसर मिलता है, उसके अंदर ये सेंस बन सकती है कि भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फॉर एग्जाम्पल छोटा है उसका बड़ा है, उसके अंदर हो सकता है सब।